रक्षे वाले को जी मैंने हीरा मंडी जाना है, तो पहले आपकी शक्ल देखेगा कि हीरा मंडी की लाइन चले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरगाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाजरीन मौसम थोड़ा खुशगवार है, काली गढ़ाई छाई है, बारिश अभी अभी रुकी है। नाजरीन आपने सुना होगा बद से बदनाम बुरा, ऐसा ही कुछ हाल बदनामे ज़माना बाजार हुसन का है, जिसे आजकल हर कोई हीरा मंडी के नाम से जानता है। नाजरीन आखिर ऐसा यहाँ क्या है कि हर बुराई का अख्ताम इसी जगह पर आकर होता है, और आखिर हर शख्स हर शरीफ आदमी इस जगह से गुजरने में अपनी बदनामी क्यों समझता है। ऐसे ही कुछ सवाल का जवाब लेने हम आज यहाँ शाही मोहल्ले में पहुँचे हैं। यहाँ के रहायशियों से जानेंगे कि अब वाकई यहाँ पर आज भी रक्स और सुरूर की महफिलें सजती हैं और जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। हमारे साथ रहिएगा और इस प्रोग्राम को पूरा देखिए। हमारे साथ इस वक्त खुसा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी फारूक चौहान साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या हालात हैं। जी फारूक साहब, यहाँ के हालात ऐसे हैं जी, जो पहले यहाँ रूटीन थी वो रूटीन ख़त्म हो चुकी है। पहले जो औरतें ऊपर खड़ी होती थी या कोई खुसरे होते थे, जो दलाल यहाँ फिरते थे, वो मार्केट से आउट हो गए। अब ये जो सारा मकाम है गलियों में एक मखसूस जगह पे आ चुका है, अब वहीं पे लोग जाते हैं, वहीं से बाहर निकल के जाते हैं। लेकिन ये नून लीग के गवर्नमेंट में तो हमने सुना था कि इस पे पाबंदी लग चुकी हुई है मुकम्मल जी। उस पे ये था कि जो कोठी खाने खुले हुए थे, जो मुजरा होते थे, वो तकरीबन सारे उन्होंने उस टाइम सील कर। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब आप आम बंदे किसी से भी पूछें तो उसे कहें कि मैं हीरा मंडी से गुजरने लगा, तो वो तो ये भी समझता है कि ये बदनामी है यहाँ से गुजरना भी। हाँ लेकिन देखें ना, ये एक मार्केट का रोड है, इस पे से आप गुजर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल है कि बदनामी वाली बात नहीं है। बदनामी वहाँ है जो गली में ये कारोबार हो रहा है। अगर इस गली में कारोबार नहीं है तो यह रोड है, गुजर रहा है, कोई भी गुजर सकता है, यहाँ लेडीज़ भी गुजरती हैं। मतलब आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि वो ये जो बदनामी का टैग है इस इलाके से वो ख़त्म हो जाए, यहाँ पर वाकई ये ख़त्म हो जाए, और जो यहाँ पर दलाल खड़े होते हैं वो यहाँ से खड़े होने का ख़त्म हो जाए, तो समझ ले कारोबार अपना आप ख़त्म हो जाए। हमारे साथ इस वक्त खुस्सा मार्केट के सदर राना मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनका कहना है कि उनकी दुकान यहाँ पर 70 साल पुरानी है। उनसे जानेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। जी सर, ये देखते देखते यहाँ बहुत कुछ हुआ, एक नहीं बड़े ज़माने आए और बड़े गए। जब मैंने इधर दुकान की थी उस वक्त हीरा मंडी यहाँ की अरूज पे थी, तो देखते देखते ही वो लोग कुछ दुबई चले गए, किधर चले गए, किधर। उस वक्त यहाँ पर कोठे और जो रक्सो सुरूर की महफिलें होती थी वो जारी थी, वो कैदा लगते सर वो, और उन्होंने टाइम हों जो हुकूमत ने दिता से उन्होंने टाइम गाण बजा का 11 बजे तो लैके 1 बजे तक उन्होंने टाइम से। उस वक्त क्या सिर्फ रक्सो सुरूर की महफिलें होती थी या जिस्म फरोशी का जो धंधा था वो भी चलता था? वो देखो जो वो उनका लेवल तो वही है ना कि इधर हम गाना बजाना करते हैं, वो जो है ना वो लुक छुप के ही होता था उस वक्त भी, आज भी। मतलब पसे पर्दा ये सब कुछ जारी था। तो अब क्या आपका ख्याल है कि अब भी यहाँ पर ये सब होता है या ख़त्म हो चुका है? यहाँ से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और सारे इस वक्त जितने तमाम उतरे हमारे ऊपर मंजिले हुए हैं, ये कोठे हैं, ये सारे यहाँ जूतियाँ बनाने वाले, कुछ दर्जी, कोई सिलमे सितारे का काम करने वाला, ये लोग सारे आ गए। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, उनसे जानेंगे कि बदनामे ज़माना बाजार हुसन के टैग की वजह से उनके कारोबार पर किस हद तक असर पड़ता है, और क्या आज भी यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा जारी है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक जी। बताइएगा, जिस तरह मशहूर किया जाता है कि हीरा मंडी जो बाज़ार है ये सिर्फ बदकारी के लिए हो सकता है और यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता, क्या आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, हमारी तो ये खुद आंखों से देख रहे हैं कि बदकारी तो अब हर जगह पे हो गई, इस बाज़ार के अलावा भी पूरे लाहौर में बदकारी फैल गई। तो जो ये मतलब हीरा मंडी का नाम सुनते ही लोग कह देते हैं कि भाई वहाँ जाने वाला हर शख्स जो है वो शरीफ हो ही नहीं सकता, इसका आपको मतलब, आप तो डेली इधर आके काम करते हैं, तो आप मतलब कैसे इस जो टैग को है वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, मतलब इसके साथ आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस ये है कि हम शुरू से ही मतलब है कि इधर कारोबार कर रहे हैं 40 साल से। ठीक है, ये जो कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी मतलब जिस्म फरोशी और रक्सो सुरूर की महफिलें सजती हैं, क्या अभी भी सच है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, अभी वो रक्स वाला काम तो ख़त्म हो गया, वो तो अब टाइम कमरे नहीं लगते। सही, तो वो जो जिस्म फरोशी वाला मामला है वो कहाँ तक है? वो चलता है, वो चलता है,
एक दौर में हमने सुना था, मैं शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो नून लीग के दौर में मुकम्मल पाबंदी लग गई थी इस पर, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आला थे तो उन्होंने पाबंदी लगाई थी। नहीं ये बात नहीं है, ये ज़ियाउल्लाह के दौर से ना ये कागज़ों में बंद हो गया होगा। अच्छा, मतलब कागजी तौर पर बंद है, वैसे चल रहा है ये कागज़ों में बंद हो गया हुआ है। हीरा मंडी मतलब जो टिब्बी गली थी ना, जो जिसमें फरोशी का धंधा होता था, क्या था वो, मतलब कागज़ों में बंद हो गया, ज़ियाउल्लाह साहब ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद ये पुलिस जो है ना वो चलवाती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें पुलिस भी किसी हद तक मुलविस होती है? हाँ, काफ़ी हद तक। आप इस, ये जो लोगों के तासुर होते हैं कि हीरा मंडी बाज़ार में फिरने वाला हर शख्स दलाल और हर औरत रंडी या कंजरी या तवाइफ जिसको हम आम लफ्ज़ में कहेंगे, तो आप इन तासुर को कैसे आप मतलब बर्दाश्त करते हैं या किस तरह आप इसको लेके चलते हैं? वो ये होता है ना कि हमारा ज़हन साफ है, हम ऐसे बैठे हैं जैसे हम मस्जिद में बैठे हुए हैं। मतलब कभी आपके साथ हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो कि भाई हीरा मंडी आप हीरा मंडी दुकान है और उसने आगे से अजीब सा आपको तासुर दिया हो? हाँ ये होता है, ये जेन में आता है। अगर आप रिक्शे वाले को जी मैंने हीरा मंडी जाना है तो पहले आपकी शक्ल देखेगा। अच्छा। कि हीरा मंडी की लाइन चले देखे ना, अभी किसी टैक्सी में बैठे हैं आप मतलब लिबर्टी से, आप कहें जी मैंने हीरा मंडी जाना है तो पहले आपको चेक करेगा क्या कहड़ा बंदा है जेड़ा हीरा मंडी चले। बदनामी होती है ना जिस तरह, यही मतलब ये जो एक बदनामी का ये जो टैग है इसको किस तरह हटा सकते हैं हम? इसको जो है ना हम अपनी नीयत से हटाते हैं बस, कि हमारी नीयत साफ़ है, हम अच्छा कारोबार करते हैं, हलाल रिज़्क कमाते हैं, बस यही हम हमारे मन को जो है ना एक सहारा होता है बस। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद हैं जिनकी मौसीकी के आलात की दुकान है, यहाँ पर ये रिपेयरिंग का काम भी करते हैं और बनाते भी हैं। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर उनके कारोबार पर कितना असर पड़ा है जब यहाँ से मौसीकी और रक्स की जो महफिलें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहले की नस्बत जो है ना हमारा काम बहुत कम पड़ गया है, अभी बहुत जो है ना वो लो है। पहले तो इधर मुजरे वगैरह या टैम कमरे वगैरह भी लगते थे, उसकी वजह से भी हमारा जो म्यूज़िक का काम था बनाने का भी और बजाने का भी वो काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद फिर सारे लोग दुबई वगैरह बाहर के मुल्क जाने लगे सारे आर्टिस्ट, अभी उधर से भी बंद हो चुका है। अभी तो ऑल टू ऑल वैसे लॉकडाउन की वजह से सारे टोटली बंद है और तीन चार। ये जो मतलब एक तासुर दिया जाता है कि हीरा मंडी बाज़ार में सिर्फ ये जो रक्स की महफिलें होती हैं वो लगती हैं या जिसम फरोशी का धंधा चलता है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत मैं तो यही कहूँगा कि मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो पहले था ना वो रक्स वगैरह ज़्यादा होता था इधर। वो एक जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने अपने कमरे बनाए हुए थे, ये अभी शॉप बन गई हुई हैं चेतराम रोड। वो जो कोठे थे वो अब दुकानों में तब्दील हो गए, कोठे जो है वो दुकानों में तब्दील हो गए और वो जो आर्टिस्ट लड़कियाँ थी वो अभी हाई जेंडर के ऊपर चली गई हैं। अच्छा, तो जब पहले भी यहाँ पर काम होता था तो क्या खाली वो महफिलें थी रक्स की? हाँ। या जिस्म फरोशी भी थी? जिस्म फरोशी तो वो क्या कहते हैं कि जब तक वो लड़की रजामंद नहीं हो उतनी देर तक नहीं हो सकती, रजामंदी होती थी तो कर लेते थे अदरवाइज नहीं होती थी। तो अब जो ये तासुर दिया जाता है कि अभी भी होता है, अब गलत है या ठीक है? अभी तो सर मैं यही कहूँगा कि हमारे जो इधर का जो एक इलाका है टकसाली और ये सारा ये बहुत बदनाम हो चुका है, लेकिन बुराई तो हर जगह हो रही है। मतलब ये इलाका सिर्फ बदनाम है यहाँ पर? मैं तो ये कहूँगा इधर सिर्फ एक मशहूर हो गई, एक दो इलाके जो इधर हैं टिब्बी गली ज़्यादा मशहूर है, कभी नजायज़ फरोशी होती है, जिस्म फरोशी होती है इधर, वो इधर होता है अभी भी, लेकिन अपना आप ठीक होना चाहिए। और अभी अगर आप देखें कि डिफेंस गुलबर्ग हर जगह के ऊपर अभी जो कोई भी लड़की है इधर से उधर जाके स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती है। आपको किसी ऐसी महफिल में दावत दी जाती है जहाँ पर ये रक्स वगैरह करते हो, लड़कियों को बुलाते हो? सर हम तो लाइव प्रोग्राम मैं खुद करता रहा हूँ, अभी शादी ब्याह के स्टेज प्रोग्राम जो होते हैं हम शादी ब्याह से हटके ये जो घरों में प्राइवेट पार्टियाँ होती हैं डांस पार्टियाँ उनमें आपको बुलाते? वो सर पहले जाता रहा हूँ मैं क्योंकि साउंड ऑपरेटर हूँ डीजे भी हूँ, तो अभी तो हर लोगों ने घर में ही वो उन्होंने वो डेक वगैरह रखे हुए हैं, अभी सिर्फ ये हो रहा है कि लड़कियों को बुलाते हैं वो खुद ही एक आदमी, क्योंकि भाई जो करना चाहते हैं कर ले, मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई ये हमें काम ये अच्छा नहीं लगता कि लड़कियों को नचा के पैसे लेने, हम मजदूरी करके प्ले करके परफॉर्मेंस दिखा के पैसे लेते हैं। मतलब आपका कहना है कि अब सिर्फ इस इलाके में ये काम नहीं होता, अब लोग अपने घरों में भी डांस पार्टियां करके बुलाते हैं।
जी तो नाजरीन, आज जब हीरा मंडी की इन गलियों को करीब से देखा तो पता चला कि ना तो अब यहाँ पर रक्सो सरूर की महफिलें सजती हैं और ना ही घुंघरुओं की आवाज़ पर तवाइफों का रक्स होता है, बल्कि हर कोई यहाँ पर रोज़मर्रा का काम करते हुए दिखाई देता है। इससे एक बात तो वाजिया हो गई कि कोई भी इलाका या जगह गंदी नहीं होती, बल्कि अगर कुछ गंदा होता है तो वो हमारी सोच है जिसे बदलने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैज़ान आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।